हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर रैंक जीरो टू टेंसर। और आज एक और वीडियो पर हम बात करने वाले हैं जो कि एक नोटिफिकेशन है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, और वैकेंसी है यहां पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड हिंदी प्राध्यापक एग्जामिनेशन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये हमारा वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस नोटिफिकेशन पर आ गया हूँ जो कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड हिंदी प्राध्यापक एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और अब देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ आप ये देखिए इसकी हम बात करते हैं अब थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स पर कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं इसकी। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 22 अक्टूबर से, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहने वाली है दोस्तों 19 नवंबर। 5 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है ऑनलाइन और वो देखें तो 21 नवंबर 5 बजे तक है शाम को, और ऑफलाइन चालान की भी सेम है दोस्तों 21 नवंबर 2018 5 बजे तक। तो दोस्तों अब बात करें इसकी यार पेपर की, तो डेट ऑफ कंप्यूटर विद CVT 1 पेपर जो होने वाला आपका वो है 12/1/2019, मतलब कि 12 जनवरी 2019, और डेट ऑफ पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव जो होने वाला है विल बी नोटिफाइड लेटर, मतलब आपको बाद में बताया जाएगा कि दूसरा पेपर कब होने वाला, मतलब अभी कोई डेट इसके लिए डिसाइड नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करें वैकेंसीज की, तो वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा कि दे विल बी डिटरमाइंड इन द ड्यू कोर्स, मतलब वैकेंसी अभी कोई निश्चित नहीं है, वो आपको बाद में बता दी जाएंगी समय के साथ, आप देख सकते हैं ठीक है। तो जब भी कोई अपडेट आ रही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसके ऊपर। दोस्तों अब बात करें हम नेशनलिटी सिटीजनशिप की, तो अ कैंडिडेट मस्ट बी, मतलब जो आप फॉर्म भरने वाले हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, सिटीजन ऑफ नेपाल हो, सिटीजन ऑफ भूटान हो, सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो, और टाइबेटियन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया, ऐसा भी चल जाएगा दोस्तों। और आप और थोड़ा आप देख सकते हैं, ऐसे तो इतना कोई ज़्यादा होता नहीं है, तो आप मेनली आप सब्जेक्ट नेशनलिटी आपकी इंडियन हो, नेपाल भूटान से भी आप हो तो आप ये अलाउड करते हैं इसके लिए। एज लिमिट की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज ऑन 1/1/2019, मतलब आपकी जो एज लिमिट है वो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। किस डेट तक, किसके अनुसार, वो है 1 जनवरी 2019 तक आपकी जो एज है वो 30 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 30 साल से आप ऊपर नहीं होने चाहिए। और हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन हाँ यहाँ पर ज़रूर दिया है कुछ, या आप देख सकते हैं कितना एज रिलैक्सेशन है। तो अब बात करूँ SC ST की, तो SC ST की जो एज रिलैक्सेशन है दोस्तों वो 5 साल है, अगर इतना आप और एक्सीड कर जाते हैं 30 साल से तो आप चल जाएगा आपके लिए। OBC के लिए 3 साल है, मतलब 30 और 3 33 साल तक हो जाएगा। जो PWD है उनके लिए पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी 10 साल है, पब्लिक जो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी और वो OBC का कैंडिडेट है वो उनके लिए 13, और अर वही पर्सन SC ST का है तो दोस्तों उसके लिए 15 साल तक छूट है एज पर। और एज जो एक्स सर्विस मैन है ESM, तो उनके लिए जो है 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, सीधे चलते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो भी उसी डेट के अनुसार दोस्तों आप देख सकते हैं 1/1/2019 इसके अनुसार आप देखें तो फॉर द पोस्ट कोर्स A to D, मतलब जो A to D की जो पोस्ट हैं तो वो उनके लिए जो है मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी, यहाँ पर सीधा लिखा हुआ हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, ये आपका होना जरूरी है। और बात करें इसके साथ आप ये ना हो तो मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, सेम है दोस्तों ये भी, बस यहाँ पर हिंदी विद इंग्लिश की जगह यहाँ पर इंग्लिश विद हिंदी हो गया है। मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, तो या तो ये होना चाहिए।
अदरवाइज मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपल्सरी, या तो ये होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर ये सेम चीज़ें लिखी हुई दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। और ए टू डी की हम बात कर चुके हैं, आप बात करें पोस्ट कोड ई की बात करें, मतलब सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस, तो इसकी बात करें तो मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम एग्जामिनेशन। तो सेम यहाँ पर देख सकते हैं, वही बात वो कर रहे हैं बार बार, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट और द मीडियम एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो बात वही है जो आप देख सकते हैं जो कि उनके लिए दी हुई, यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं। हम बात करते हैं दोस्तों अब यहाँ पर फॉर द पोस्ट कोड एफ, मतलब जूनियर ट्रांसलेटर स्लैश जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन सबऑर्डिनेट ऑफिस हु हैव नॉट येट अडॉप्टेड मॉडल RRS ऑफ द DPNT फॉर JT, मतलब जूनियर ट्रांसलेटर एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपल्सरी, यहाँ पर थोड़ा लिखा हुआ देख सकते हैं आप, हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, और बैच और यदि ये नहीं है तो और आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो भी आप ये भर सकते हैं, विच इंक्लूड्स द टर्म कंपल्सरी एंड इलेक्टिव। Note that the candidates must ensure that they have studied English and Hindi as a main subject in all the 3 years of graduation pass course. तो इन्हें हिंदी और इंग्लिश का एक नॉलेज यहाँ पर अलग से मांगा हुआ है दोस्तों, ये जरूरी हो जाता है यहाँ पर। For the post code G, मतलब हिंदी प्राध्यापक in Central Hindi Training Institute, you must have the qualifications this bachelor degree in Hindi with English as one of the subject at degree level either as a compulsory or optional from a recognized university or institute plus master degree आपके पास होने चाहिए any subject from a recognized university। तो master degree तो यहाँ पर है ही दोस्तों, आपकी होना ही चाहिए यहाँ पर। और apply कैसे करना है दोस्तों हम बात करें, तो apply आपको सीधे site पर visit करना है ssc.nic.in, और वहाँ पर जाकर आप सीधा registration करने के बाद आप apply कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको बता चुका हूँ, 19 नवंबर 2018 टिल 5 PM, 5 बजे तक रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी देखें तो फी पेबल इज़ 100 रुपीज़ एंड इट कैन बी पेड थ्रू चालान ऑफ SBI नेट बैंकिंग और एनी ऑनलाइन बैंकिंग यू कैन से, या आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, चालान या फिर नेट बैंकिंग थ्रू। कैंडिडेट्स वुमेन कैंडिडेट्स मीन्स SC ST एंड PWD आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फी पेमेंट, मतलब उनके लिए कोई भी फी यहाँ पर नहीं देनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए। और डेट मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन आप देख लें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखें तो एग्जामिनेशन किस का पैटर्न जो है वो क्या है। द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स, पेपर वन विल बी हेल्ड एज ऑन 12/1/2019, मतलब 12 जनवरी 2019, और जो पेपर टू है वो कि आपको बाद में बताया जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको डेट बाद में मिलेगी इसकी। तो पहले पेपर की बात करें तो पार्ट वन, पेपर वन इज ऑब्जेक्टिव टाइप, मोड ऑफ पेपर कंप्यूटर बेस्ड मोड, मतलब CVT के रूप में होने वाला। सब्जेक्ट आपकी देख लें तो सब्जेक्ट जो है जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स इज दैट 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, इन इंग्लिश ऑल्सो 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स। टोटल ड्यूरेशन इज 2 आवर्स, देयर 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट्स हु प्रिस्क्राइब फॉर दैट, ठीक है, जो डिसेबिलिटी वगैरह उनके लिए हो सकता है। और मैं दूसरे पेपर की अभी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी कोई कन्फर्म डेट भी नहीं है, तो हम उसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे दोस्तों। पेपर वन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस ओनली, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, ठीक है, हम इसको एक तिहाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ आज का ये नोटिफिकेशन, दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अगर कुछ आपको कुछ कमेंट्स हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।